तो दोस्तों हम लोग हो गए तैयार, अब निकल रहे हैं यहाँ से, गाड़ी उठा लिए वापस यहाँ से हरिद्वार से ऋषिकेश। ये देख रहे हो दूसरी ट्रेन, देख रहे हो ट्रेन से तेज चल रही है अपनी स्प्लेंडर, और क्या चाहिए। तो दोस्तों आपके लिए गुड न्यूज ये है, ये देखिए सामने दिख रहे हैं आप ऋषिकेश के वादियां, ऋषिकेश की वादियाँ जो हैं आप ठीक सामने हैं। अब पहाड़ बिल्कुल क्लियर विजिबिलिटी दिखने लगी है, पता है जो हरे पहाड़ के पीछे हमें दिख रहे हैं जो बर्फ़ वाले पहाड़ भी दिख रहे हैं, है ना अर्षद भाई, बर्फ़ वाले पहाड़ एकदम वाइट वो भी दिख रहे हैं, बर्फ़ वहाँ पे है, मतलब यहाँ से कम होंगे तो 80-90 किलोमीटर तो होंगे वो भाई। पहाड़ इतने ऊँचे हैं कि ये लग रहा है ये पास में ही है, लेकिन बहुत ऊँचे हैं। अभी 18 किलोमीटर तक इसी केस है। यही नदी है भाई साहब, इसमें मछली पानी पीने लायक है, इसमें मछली होती है भाई साहब बहुत ऊपर ही ऊपर। हाँ देख तो रहे हम लोग भाई साहब लेबर का काम करने वाले, लेकिन हम राफ्टिंग करने जा रहे हैं भाई, बोल में जाएगा बाकी डिस्कस आपके साथ करेंगे आगे, अभी कर नहीं सकते इसलिए बाद में करेंगे। तो भाई देख रहे हो पूरा व्यू फुल पहाड़ों के बीच में, फुल मजा आ रहा है। और ये हमारी बोट पानी में आ गई है, हम भी उतरेंगे, बस ये बता दो स्टार्ट होने वाली है, सारे बंदे आ जाए बस भाई, कहते नीचे टॉयलेट का ना भाई, क्या नाम है भाई, हो रही है राफ्टिंग फुल मौज पर भाई, क्या रहा है फिर मेरे साथ पानी के अंदर, सब कार मोहब्बत है कौन मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं ये मैं हूँ, ये पंडित जी है और शादी क्या है, राफ्टिंग हो रही है हमें जाना। तो दोस्तों ये ऋषिकेश में हम लोगों ने राफ्टिंग वगैरह काफ़ी करी, मज़ा बहुत आया और
इंजॉय भी बहुत हुआ। यहाँ सस्ती सस्ती राइड है क्योंकि अभी ऑफ सीजन है, गर्मियों के सीजन में ये पर हेड 800 रुपये लेते हैं और अभी 300 रुपये 350 जैसा मिल जाए उस हिसाब से कर लेते हैं। और गर्मियों में फिर आपके पास कम से कम 6 से 7 बंदे 8 बंदे होने चाहिए, जब भी लेते हैं उसके बिना लेते नहीं है, राइडिंग कराएंगे ही नहीं, राफ्टिंग कराएंगे ही नहीं। दूसरी बात यह है दोस्तों कि आप जब भी आए ना तो अपना एक्शन कैमरा लेके आए, ठीक है, क्योंकि एक्शन कैमरा में आप वीडियोस अच्छे से रिकॉर्ड कर पाएंगे हेलमेट के ऊपर माउंट करके। और ये लोग क्या करते हैं, आपको पहले बैठा लेंगे, ठीक है, बोट में बैठाने के बाद बाद में आपसे बोलेंगे कि मोबाइल यूज नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, मोबाइल मना है, पहले ये सब नहीं बताएंगे आपको, ठीक है, मोबाइल अपने पास ही रख लेते हैं। तो इस चीज़ से आप ध्यान रखिए। हमने तो थोड़ी कोशिश कर ली थी तो हमारा फ़ोन मिल गया था हमें, और फिर हमने थोड़ी सी शूट भी करी थी। तो एक्शन कैमरा लेके जाएं और इंजॉय करें, अपनी सारी सारी मेमोरीज आप रख सकते हैं फिर उसके साथ, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो वो लोग 300-400 रुपये पर हेड लेते हैं एक वीडियो का, मतलब 4-5 हज़ार रुपये लेते हैं एक राइड के वीडियो बनवाने के, तो ये बहुत ज़्यादा महंगा है एक वीडियो के हिसाब से। 12 ज़्यादा ज़्यादा एक घंटे की होती है 12 किलोमीटर की राइड बताते हैं। और बाकी आप सब जाएँ इंजॉय करें, कैसा आपको एक्सपीरियंस आएगा वो आप खुद भी जाके देखें। और हमारे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, ठंडा पानी बहुत ज़्यादा था और इसमें ज़्यादा ध्यान से ही जाना चाहिए, क्योंकि जब वो स्टार्ट करते हैं राइडिंग तो आपको गाइड भी करते हैं कि कैसे आपको अंदर जाना है, लेफ़्ट राइट कैसे करना है, सारा का सारा आपको बताते हैं, उस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आगे की राइड में। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे टिहरी डैम और चंबा वगैरह, उसके लिए भी आप आगे हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को।